नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मनी मंत्रा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे वीडियो पसंद किए हैं उनके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के आपके लाइक और आपके कमेंट ही चैनल की जान है दोस्तों। आप पूरी कोशिश करते रहिए कि मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता रहूँ। और जो अपना एम है, मिशन है, लेट्स ग्रो टुगेदर, उसको मैं आगे बढ़ाता रहूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, किसी को कोई कोचिंग, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए। मैं तो लगभग हर वीडियो में आपसे हेल्प मांगता हूँ कि आप मेरी कुछ ना कुछ हेल्प करते रहिए दोस्तों। मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करूँगा, कुछ ना कुछ आप मेरी हेल्प करो। तो मैं अभी सीख रहा हूँ दोस्तों। चार्ट्स मेरे खुद के रहते हैं, मैं चार्ट्स पे ही डिस्कस करता हूँ मोस्टली चीज़ें, और तो कुछ मैं आपको ऐसे कुछ दिखाता नहीं हूँ। हाँ, ये ट्रेड कॉल्स समझ ले सकते हो मेरी तरफ से, पर मैं इन पे ये कहूँगा कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने आप इसकी जांच परख कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मुलाकात करके कि ये ट्रेड में, स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी को इस बात की भूल ना हो कि मैं यहाँ पे सिखाता हूँ या कोचिंग देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं। आज के दिन के शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए बेहतरीन स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हर स्टॉक का हम एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस चेक करेंगे चार्ट के ऊपर, और बैंक निफ्टी का भी चेक करेंगे कि कल निफ्टी पे मैंने क्या कहा था और आज क्या हुआ है, और निफ्टी पे ये भी डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। चैनल का नाम है मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला। बेल का आइकन दबाने से क्या होगा? बेल का आइकन दबाने से आपके फोन पे अपडेटेड इंस्टेंटली मेरे वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे, जिसमें आपके लिए मल्टीबैग स्टॉक्स होते हैं, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के बेहतरीन स्टॉक्स होते हैं, और कुछ पेनी स्टॉक्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पैसा बना के दे सकते हैं आपको। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए शेयर करता हूं टाइम टू टाइम पे, और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी और प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी जो मैं खुद यूज करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। मैं भी कहीं से सीख रहा हूँ तो वो मैं जो सीखता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं डेली सीखता हूँ। मार्केट सबसे बड़ा गुरु है जी हमारा। मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाती है, हम गलतियाँ करते हैं। पिछले करीबन 7-8 साल से मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सीखा है मैंने, वही सीख मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी डिस्कस करते हैं वो स्टॉक्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो। सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी। देखो, जब ये उस दिन करेक्शन आई थी ना, करेक्शन पे मैंने पुल बैक भी आया था। पुल बैक के बाद मैंने उस दिन बताया था, इस दिन वाली वीडियो में बताया था, 20 दिसंबर वाली वीडियो में, कि यहां पे शायद एक न्यूट्रल कैंडल आ सकती है। मैं भविष्य नहीं बताता, बट आई डोंट नो कैसे ये न्यूट्रल कैंडल बन गई। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग वाली आ सकती है कैंडल, तो वो भी आ गई है। आई डोंट नो कल क्या होने वाला है, पर मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये जो है ना 17,050 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,050 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग आती है कल। देखो, वैसे तो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हो सकता है कि कल बहुत ही वोलेटाइल डे हो। जिन्होंने लॉन्ग कर रखा वो अपने लॉन्ग को शॉर्ट करेंगे, निकालेंगे अपने पोर्टफोलियो से उनको, तो न्यूट्रल मतलब जिगजैग हो सकता है। बट बहुत अच्छा रहेगा कि निफ्टी 17,050 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आए, तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी फ्यूचर के लिए। बाकी मैंने बताया था आपको कि दिसंबर का महीना है, सेलिंग वाला महीना होता है, FIIs सेल करके जाते हैं। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, विदेशी लोग होते हैं जो क्रिसमस पे छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, क्रिसमस पे और उनका आता है न्यू ईयर पे, तो न्यू ईयर 10-15 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं इनकी, 10-15 दिन के लिए ये इन्जॉय करने चले जाते हैं, अपना पैसा निकाल के लेके जाते हैं, तो मार्केट में बिकवाली आती है, इसलिए मार्केट हल्की सी डाउन भी जाती है। तो दिसंबर का महीना हर साल सेलिंग वाला ही रहता है। जनवरी में फिर से आएंगे वो लोग परचेज करने अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में, तो उन स्टॉक्स में आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनसे पहले कर सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। अगर आपको याद है मिंडा इंडस्ट्रीज का स्टॉक, मैंने पहले तो दिया था टारगेट 970 और 120 का, 1020 का आया,
ये टारगेट आए, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि टारगेट ये देखो यहीं पे बताया था मैंने कि यहाँ से टारगेट 1110 रुपये के और 1220 रुपये के टारगेट आ सकते हैं। तो कल 1110 का टारगेट आया और आज 1220 का टारगेट भी आ गया। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा सच में। तो आज इसने इसने हाई बनाया था 1248-54 रुपये का, 1254 रुपये का हाई बनाया था इसने। तो दोस्तों ये तो हमारी तरफ से हो गया प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो प्लीज़ टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट एक स्टॉक मैंने आपको बताया था कभी काबरा। ये काबरा में देखो स्टॉक के हमारे शॉर्ट टर्म के थे, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड का स्टॉक था ये, 266, 286 और 320 ये हमारे टारगेट थे। और टारगेट देखो यहाँ पे हो चुके थे अचीव, मुझे ध्यान नहीं रहा अपडेट करना। मैंने आज देखा था, आज मैं एक्चुअली मैंने इसके अंदर ट्रेड किया था कुछ, तो मेरे को लगा कि ये वापस आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो ये मैंने आपको वापस बता दिया है। इसके अंदर अच्छी खासी आज प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट बनाया है, लोगों ने भी बनाया, थोड़ा बहुत मैंने भी बनाया है। तो अच्छा स्टॉक था दोस्तों ये। अभी दिखते हैं स्टॉक्स, दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट देखो यहां पे मैंने बोला था कि ले लो यार, ये पोर्टफोलियो का स्टॉक हो सकता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे को फीस भी पे करते हैं इस चीज की, उनको भी पोर्टफोलियो मैंने कभी सजेस्ट किया था, आप लोगों को भी उन्हें बोला है, 2-3 बार बोला होगा कि ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, मल्टीबैगर स्टॉक है, बहुत पैसा बना के दिया इसने। जब भी करेक्शन आई स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। स्टॉक अभी 20 EMA, 50, 100 और 200 EMA के ऊपर क्लोज है, तो एक अच्छा बाउंस बैक आएगा क्योंकि ये देखो करेक्शन आई है इसके अंदर। करेक्शन आने के बाद ये जो डब्लू फॉर्मेट हो सकता ना, ये यहाँ से डबल बॉटम बन गया है यहाँ पे, और डबल बॉटम के बाद ये शायद 2700 से 3000 तक जा सकता है इन फ्यूचर में। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से प्लान कर लेना दोस्तों। टारगेट मैंने शॉर्ट टर्म के ये लिखे हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड ले सकते हैं या अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टॉक इज TCI एक्सप्रेस। TCI एक्सप्रेस में हमारे पहले टारगेट थे 2400 एंड 2525, ये हमारे टारगेट थे। ये टारगेट आज कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है, ये टारगेट आज कंप्लीट हो गए हैं दोनों टारगेट। तो उसके बाद अभी मेरे को चार्ट अच्छा लग रहा है, तो चार्ट अच्छा लगा तो मैंने वापस से आपके साथ शेयर किया हूँ। इसमें भी कुछ टारगेट मैंने वापस से शॉर्ट टर्म के लगते हैं जो मुझे ही लगते हैं, तो 2610, 2740 और 2870 ये टारगेट नियर फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में अपने को मिल सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके बैलेंस करके ही इन्वेस्ट करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक इज बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग आज के लिए ये एक्चुअली, पहले मैं आपको ना डेली कैंडल दिखाता हूँ, ये डेली कैंडल है दोस्तों इसकी, ये इसका RSI है, ग्रीन लाइन टिक करके रेड लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गई है, होपफुली कल इसको क्रॉस भी कर जाएगी। इसके आज भी मैंने इसके अंदर कुछ ट्रेड किया था, मेरे को इसका स्ट्रक्चर चार्ट अच्छा लग रहा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। 112 से लेके 130 के इसके नियर फ्यूचर के टारगेट हैं दोस्तों, तो आप इसके अंदर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज डेल्टा कोप। डेल्टा कोप देखो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, 145 रुपये के कभी एंट्री हमारी थी, मैंने अपने जो मेरे जिनका डीमेट अकाउंट मेरे पास है उनको मैंने बताया था कि 145 रुपये पर एंट्री लेने के लिए, वहां से पैसा डबल हो चुका है। वो उस टाइम भी पैसा डबल पिक थी, पैसा डबल हो चुका है 290 रुपये पे। ओके अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 273 पे, तो 290 एक बार नहीं, एक दो तीन बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। उसके बाद मैं फिर से ये अपडेट दे रहा हूं। अभी मैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो इसके अंदर, तो शॉर्ट टर्म में 290, 320 और 350 के टारगेट के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए। और थोड़ा सा लंबा सोच रहे हो आप तो इसकी वीकली कैंडल देखते हैं दोस्तों। वीकली कैंडल में काफी अच्छा लगता है मुझे ये, यहां से देखो यहां से ओवरसोल्ड जोन से अभी उठने की कोशिश में वीकली कैंडल में, तो ये यहां से पोजीशन बनती है। ये देखो मैंने 3-10 पे बताया था, 17-5 पे भी बताया था मैंने, 30-8 को भी बताया था मैंने ये स्टॉक, तो 2-3 बार मैं बता चुका हूँ स्टॉक को, ऐसी बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो 400, 450, 500, 550 के टारगेट के लिए इन्वेस्ट कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक इज मन्नापुरम फिनेंस। मन्नापुरम फिनेंस में देखो ये इसका डेली कैंडल है, डेली कैंडल पे यहाँ पे ना एक डाउन ट्रेंड के अंदर ग्रीन कैंडल बनाई इसने, वॉल्यूम भी है इसके अंदर ग्रीन, तो यहाँ पे एक अगर कल ग्रीन कैंडल बनती है तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न की कंफर्मेशन आती है,
तो कन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेंगे तो अच्छा है, 170 रुपये के ऊपर एंट्री लेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, सेफ हो सकता है। मतलब कुछ लोग हो जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो 170 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। 170 का 20 EMA लाइन है दोस्तों डेली का, तो उसके ऊपर एंट्री लेंगे तो अच्छा है आपके लिए। और जो थोड़ा सा हल्का सा रिस्क लेना पसंद करते हो तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। 177, 201 और 216 के टारगेट हैं इसके शॉर्ट टर्म में। और जो थोड़ा सा लंबा सोचते हैं, मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो 245, 270 के टारगेट के लिए इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। नेक्स्ट हो गिज मरीन इलेक्ट्रिकल। जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं और जो लोग मेरे क्लाइंट हैं जिनको व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ, तो उनको मैं पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर बता रहा हूँ ट्रेड को। मैंने कल भी बताया था, कल कहा था कि कल इसमें अपर सर्किट नहीं लगा, संभव नहीं लगा, कल भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी इसके अंदर, आज भी इन्वेस्टमेंट है। तो आज मैंने पूछा था लोगों से कि क्या अपर सर्किट लगेगा, जब ये 37-38 रुपीज़ के आसपास था, मेरी एंट्री वापस से दोबारा एंट्री करी थी मैंने इसके अंदर। तो होपफुली लास्ट हाफ आवर में इसका अपर सर्किट लग गया, तो अभी ये 39.70 पे क्लोज हुआ है, तो लेट्स सी कि ये 43 को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। 43 क्रॉस करता है तो 50-54 के लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपना जांच परख कर लीजिए, अपने चार्ट जैसे आप चेक करते हो, एनालिसिस करते हुए ज़रूर करना दोस्तों, खाली मेरी बात सुन के इन्वेस्ट मत करना। और जो लोग मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको 2-3-4 ट्रेड कॉल शेयर करता रहता हूँ जिनमें थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि थोड़े में ही सब्र करें और प्रॉफिट बुक करके घर जाएं, और अगर लॉस होता तो हल्के से लॉस में बाहर हो जाएं, ये नहीं कि लॉस के ऊपर बैठे रहें। जो लोग चाहते हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, मैं मंत्रा विद दीपक रोहिला पे अपनी पूरी कोशिश रहती है, लेट्स ग्रो टुगेदर, मैं यहाँ लिखता हूँ और मैं इसकी इसी को पूरे मन से इसको निभाने की कोशिश भी करता हूँ दोस्तों। मेरे को अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, मैं ना तो परेशान खुद होना चाहता हूँ ना किसी को करना चाहता हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे देखो हम कोई पेड कंटेंट नहीं है, सब हेल्प के लिए है, फ्री कंटेंट है। हाँ इन स्टॉक्स पे आप विचार कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। देखो आज मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा हूँ दोस्तों, वीक के बीच में है, पर मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी जो मैं स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या आपने कभी उन पर ट्रेड किया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ट्रेड किया है तो क्या कभी आपको प्रॉफिट हुआ है, दो बात। तीसरी बात, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ पैसा डोनेट कर दिया जाए इंडियन आर्मी को, गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए या गरीब लोगों को कपड़े के लिए, सोचना दोस्तों। और प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, डोंट बी शाई, डोंट कंजूसी मत करना, क्योंकि देखो मुझे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो उसकी भी मुझे कोई अर्निंग नहीं है, अगर चैनल पे लाइक करते हो उसका भी यूट्यूब मुझे कुछ पैसा नहीं देता, चैनल पे कमेंट करते हो उसका भी यूट्यूब मुझे कोई पैसा नहीं देता दोस्तों। तो ये सब जनहित में जारी है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, तो लेट्स सी हम कहाँ तक आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोटिवेट तो यही है कि लेट्स गो टुगेदर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा। मनी मंत्रा पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपके साथ कुछ अच्छे ट्रेड्स, अच्छे चार्ट आपके साथ शेयर करता रहूँ, और मैं अपना व्यू शेयर करता रहूँ। आप भी अपना व्यू मुझे बता सकते हैं स्टॉक्स के ऊपर, मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, स्टॉक्स जो आपको पसंद हो वो स्टॉक्स मुझे बता सकते हो, क्या पता वो स्टॉक्स और लोगों के भलाई के लिए काम आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।